मंदिर तोड़ा था ना, जिस तरह से मंदिर को तोड़ा था उसी तरह आज हमने भी तुम्हारा घमंड तोड़ के दिखाया है। मनुवादियों, पूर्ण बहुमत की सरकार है पूरे देश के अंदर, केंद्र में और 18 प्रदेश में तुम्हारी सरकारें चल रही है, लेकिन हमारा बाल तक नहीं उखाड़ पाए तुम। हमने कहा था कि दिल्ली बंद करके दिखाएंगे, चंद्रशेखर भाई ने अपना किया हुआ वादा पूरा किया। मंदिर पैदल जाने का वादा किया था, वहाँ भी पहुँच गए हैं। मंदिर बनाने का वादा किया है, उसे भी पूरा करेंगे। मंदिर तो वही बनेगा। तकरीबन 28 किलोमीटर दूर पैदल चलने के बाद हम लोग पहुँचे हैं तुगलकाबाद। हमारे पास में ही कुछ ही समय में हम तुगलकाबाद के रविदास मंदिर में पहुँचने वाले हैं, जो 600 साल पुराना हमारे गुरु जी का इतिहास था, जहाँ पर हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने अपना समय बिताया, अपने समाज को जागरूक किया। उस मंदिर को तोड़कर सरकार ने बहुत बड़ी भूल कर दी, हमारी सोती हुई कौम को छेड़ दिया। अब ये लोग जाग गए हैं, ये चुप बैठने वाले नहीं है। तुम लोग सोचते थे कि एक दिन आएंगे, दिल्ली बंद करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन ये गफलत निकाल दो। आज भी दिल्ली बंद थी, अगर मंदिर नहीं बना कल भी दिल्ली बंद रहेगी, और अगर मंदिर परसों भी नहीं बना तो परसों भी दिल्ली बंद रहेगी। 500 ने 28,000 का इतिहास रचा था, और यहाँ तो 1,00,000 है, तो तुम्हारी नस्लें गायब हो जाएगी इस भारत देश से। पता नहीं लगेगा कि 15% लोग, जिन लोगों के लिए तुम ये सरकार, मनुवादी सरकार काम करती है, वो लोग कहाँ चले जाएंगे, उन लोगों का पता भी नहीं चलेगा कि वो लोग गए कहाँ, किस कोने से आए थे। साथियों, आज इतने लोग हैं कि अगर दिल्ली में इधर से घुसे तो उधर दूसरी साइड सफाया कर निकलेंगे, लेकिन हमारा काम संविधान के दायरे में प्रोटेस्ट करना है, और हम कर रहे हैं। आज हमारे गुरु रविदास जी मंदिर पे संकट आया था, तो हम लोगों ने उस संकट से लड़ने का प्रयास किया, उस संकट से लड़कर उस लड़ाई को जीता। और हम आगे भी ये बता देना चाहते हैं कि अगर हमारे संत महापुरुषों या समाज के ऊपर या आरक्षण और संविधान के ऊपर इस तरह से आगे तुमने कुछ करने की कोशिश की, तो आज दिल्ली कल पूरा देश बंद करेंगे, और तुम लोगों को दिखा देंगे कि 15% लोग आरएसएस के दलालों, तुम्हारी औकात नहीं हम लोगों से टकराने की। अगर हम लोग ठान ले, हम 16-16 घंटे काम करने वाले लोग हैं, कड़ी धूप में फावला चलाकर काम करने वाले लोग हैं, और तुम लोग एसी में बैठकर कारों में घूमकर 6 घंटे में ही आराम मांगते हो, तुम्हारी औकात नहीं हमारे बराबर काम करने की। हम मेहनत कर रहे, दिखा दो साथियों। ये तुगलकाबाद है, जहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 600 साल पुराना मंदिर का ढांचा ढहाया गया है मनुवादी सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार। ये आदेश झूठा है, ये दबाव डालकर सुप्रीम कोर्ट से झूठा आदेश दिलवाया गया था। हम मंदिर बनाएंगे और यहीं बनाएंगे, रावण की सेना तैयार है मंदिर बनाने के लिए। ये काफिला तकरीबन 2,00,000 लोगों का है, 2,00,000 लोगों का काफिला है, और अगर आज लट घुमा दिया दिल्ली के ऊपर तो पता नहीं लगेगा कि 1.5 करोड़ लोग कहाँ चले गए। दिल्ली की 1.5 करोड़ जनसंख्या, 1.5 लाख लोग बिल्कुल सफाया कर देंगे अगर आज मंदिर नहीं बना तो। शांत हो जाओ, बोलो जी, इसमें बोलो बीमार में इंडिया पेज। अगर अगर दिल्ली में कोई तुम्हें परेशान करे ना तो बता देना कि रावण के भाई। साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, काशीराम तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, साहब तेरी सोच पे।
ठोके, पहला देंगे ठोके। दलितों का हनन हुआ तो खून बहेगा, खून बहेगा, खून बहेगा, खून बहेगा, तो खून बहेगा, खून बहेगा, खून बहेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांधी का नारा लगाओ। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।